Hello students, this is Dr. Shivani Bhargav. Welcome to Unacademy Let's Crack NEET UG. तो जैसा कि मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था अपने लास्ट दो सेशन के पहले कि हम लोग एक नया कोर्स शुरू करने जा रहे हैं. इस कोर्स का नाम है सक्सेस बूस्टर सीरीज फॉर NEET 2020. और जैसे कि आप सबकी डिमांड रही है, आपको इकोलॉजी सबसे पहले स्टार्ट करना था, तो इकोलॉजी से ही आज हम लोग स्टार्ट करेंगे. तो क्या तैयार है सभी लोग? आप लोग चलिए तो शुरू करते हैं. ठीक है, तो आप लोग, मैं क्वेश्चन के थ्रू कितने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं ये भी डिस्कस करूंगी. मैं आपको इसके साथ थ्योरी भी डिलीवर करूंगी. बट हम लोग एक बार तो पढ़ ही चुके हैं सारा, तो आप पहले कोशिश कीजिएगा मैं जैसे ही क्वेश्चन बताऊं कि आप उसका आंसर दे सके. और मैं साथ साथ ये भी बताती जाऊंगी, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि लास्ट 10 से 12 साल के क्वेश्चन पेपर्स मैंने डाले, तो ये क्वेश्चन कब पूछा गया है ये भी मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी, तो आपका कॉन्फिडेंस जो है ये बिल्डअप हो जाएगा. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास. उसके पहले हम लोग अनअकैडमी के बारे में थोड़ी सी बातचीत करें. आप लोग को पता है कि यहाँ पर स्पेशल क्लासेस जो हैं ये भी यहाँ पर हैं. आपको अनअकैडमी पर इंडिया के टॉप मोस्ट एडुकेटर्स जो हैं वो यहाँ पर पढ़ाते हैं, तो आपको उनकी क्लासेस यहाँ पर मिलेंगी. ठीक है, आपको इसमें बहुत सारी टेस्ट सीरीज यहाँ पर 11th बैच के लिए, 12th बैच के लिए, ड्रॉपर्स बैच के लिए टेस्ट सीरीज चलने वाली है, तो ये आपको मिलेगी. आपको अनअकैडमी को इंस्टॉल, आप कैसे इसको हासिल कर सकते हैं, कैसे आप इसमें एनरोल्ड होंगे, तो हाउ टू रजिस्टर अनअकैडमी, कुछ नहीं करना, आपको सीधा सा प्ले स्टोर पर जाकर अनअकैडमी के लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करेंगे. अनअकैडमी के लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करने के बाद आपके पास सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन आएगा, आप उसे सब्सक्राइब करेंगे. और सब्सक्राइब करते वक्त यहाँ पर आपको एक कोड एंटर करना है, तो आप इसमें मेरा प्रोमो कोड है लाइव SB. यहाँ पर बच्चों स्पेस है लाइव और SB के बीच में, लाइव SB के बीच में कोई स्पेस नहीं है. आप मेरा प्रोमो कोड लाइव SB यूज़ करें, इससे आपको फी पर 10% का डिस्काउंट जो है ये मिल जाएगा. ठीक है, सब्सक्रिप्शन ऑप्शन 1 मंथ, 3 मंथ, 6, 12, 24 मंथ के सब्सक्रिप्शन ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हैं. जितना ज़्यादा ड्यूरेशन का सब्सक्रिप्शन आप लेंगे उतना ही ज़्यादा ये कॉस्ट इफेक्टिव होगा. जैसा कि आप देख सकते हैं कि 3 महीने का सब्सक्रिप्शन सिर्फ 13,500 का है, 6 महीने का लगभग 27,000 का होना चाहिए लेकिन 21,600 का है, और 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन इससे जस्ट डबल का होना चाहिए लेकिन सिर्फ 27,000 में आपको मिल रहा है. तो जितना ज़्यादा ड्यूरेशन बढ़ेगा सब्सक्रिप्शन, जितना ज़्यादा ड्यूरेशन बढ़ता जा रहा है आपका कॉस्ट उतना ही ज़्यादा ये कॉस्ट इफेक्टिव होता जा रहा है. तो मेरा पर्सनल ओपिनियन आपको ही रहेगा, एटलीस्ट 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन आप जरूर लें. और सब्सक्रिप्शन के दौरान मेरा कोड है लाइव SB, लाइव SB के बीच में कोई स्पेस नहीं है, यहाँ पर लिखा हुआ है लाइव SB इस्तेमाल करें, इससे आपको 10% का जो है ये डिस्काउंट मिलेगा. चलिए बच्चों तो शुरू करते हैं आज का अपना सेशन. ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है ये नीट 2016 के अंदर ये पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछा गया था. तो फटाफट से क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं. क्वेश्चन बोल रहा है पॉजिटिव साइन इज असाइन टू बेनिफिशियल इंटरेक्शन, नेगेटिव साइन टू डेट्रीमेंटल एंड जीरो साइन टू द न्यूट्रल इंटरेक्शन. तो आप मुझे बताओ कि अगर पॉजिटिव नेगेटिव इंटरेक्शन है तो इसको आप क्या कहेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव इंटरेक्शन को क्या कहेंगे? ऑप्शन म्यूचुअलिज्म, एमेंसलिज्म, कॉमेंसलिज्म एंड द पैरासिटिज्म. आप अपना अपना जवाब देते जाएं. इसने तो पॉजिटिव नेगेटिव पूछा है, पॉजिटिव नेगेटिव इंटरेक्शन को क्या कहेंगे. ऑप्शन जो दे रखा है, सबसे पहला ऑप्शन है बच्चों म्यूचुअलिज्म. आपको पता होगा म्यूचुअलिज्म कैसे कहते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव इंटरेक्शन होता है, यानी कि जो दोनों इंटरैक्टिंग स्पीशीज हैं इस पर्टिकुलर टाइप के, इसमें म्यूचुअलिज्म के अंदर दोनों इंटरैक्टिंग स्पीशीज को फायदा होता है, किसी को भी नुकसान नहीं होता है, ये होता है आपका म्यूचुअलिज्म. नेक्स्ट इसमें बात करें एमेंसलिज्म की, एमेंसलिज्म नेगेटिव जीरो इंटरेक्शन को हम एमेंसलिज्म बोलते हैं. नेगेटिव जीरो इंटरेक्शन यानी कि जो दोनों इंटरेक्टिंग स्पीशीज हैं उसमें से एक तो न्यूट्रल रहती है, जीरो वाली न्यूट्रल है, यानी कि ना फायदा हो रहा है ना नुकसान हो रहा है, और जो दूसरा इंटरेक्टिंग पार्टनर है इसका उसको इसमें नेगेटिव, यानी कि उसका उसमें नुकसान होता है, तो नेगेटिव जीरो इंटरेक्शन को हम कहते हैं एमेंसलिज्म. थर्ड वन इज द कॉमेंसलिज्म. कॉमेंसलिज्म जो है ये आपका पॉजिटिव जीरो इंटरेक्शन है. पॉजिटिव जीरो इंटरेक्शन यानी कि एक इंटरेक्टिंग स्पीशीज को तो फायदा होगा
और जो दूसरा इसका पार्टनर है, जो सेकेंड इंटरैक्टिंग स्पीशीज है, उसे ना फायदा होता है ना नुकसान होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करें पैरासिटिज्म की, तो आपको पता है ये पॉजिटिव नेगेटिव इंटरैक्शन होता है जो पैरासाइट होता है, ठीक है। मतलब एक इंटरैक्टिंग पार्टनर को तो फायदा होगा, दूसरे इंटरैक्टिंग पार्टनर को नुकसान होता है। और हमेशा जो स्मॉल साइज वाला ऑर्गेनिज्म है दैट इज द पैरासाइट, उसे हमेशा इस इंटरैक्शन में फायदा होगा, और जो दूसरा पार्टनर है इसके अंदर जो कि लार्ज साइज ऑर्गेनिज्म होगा वो हमेशा होस्ट होता है, होस्ट को हमेशा इस इंटरैक्शन के अंदर नुकसान होता है। इट इज अबाउट द फोर ऑप्शंस की म्यूचुअलिज्म, पॉजिटिव पॉजिटिव इंटरैक्शन दोनों को फायदा हो रहा है, एमेंसिलिज्म नेगेटिव जीरो इंटरैक्शन को बोलते हैं, एक को नुकसान और दूसरा न्यूट्रल रहेगा, कमेंसिलिज्म पॉजिटिव जीरो इंटरैक्शन, एक को फायदा दूसरा न्यूट्रल है, पैरासिटिज्म इज द पॉजिटिव नेगेटिव इंटरैक्शन, यानी कि एक को फायदा दूसरे को नुकसान। और हमसे क्वेश्चन में पॉजिटिव नेगेटिव इंटरैक्शन के बारे में ही पूछा गया है, दैट्स व्हाई फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्डली फोर्थ विल बी द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज द पैरासिटिज्म। इज इट क्लियर? आप में से कितने लोगों को, हैंड रेज कीजिए फटाफट, आप में से कितने लोगों को इसका करेक्ट ऑप्शन पता था, करेक्ट आंसर पता था, और कितने लोगों को इन चारों का एक्सप्लेनेशन भी पता था, ठीक है। चलिए तो मूव ऑन करते हैं। लेकिन बच्चों ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन नीट 2016 में पूछा गया, इससे रिलेटेड बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जैसे मैंने कुछ एक्सप्लेन भी किया है, अ वैरायटी ऑफ क्वेश्चन कम फ्रॉम दैट पर्टिकुलर कैटेगरी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इस टॉपिक को थोड़ा सा डिटेल में हम जाएंगे, जो जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जिससे कि आप आगे वाले सेशंस जब लोगे तो आपको पता लगेगा। अब मैं, हम लोग आज पहला सेशन है ना हमारा, तो आपको मैं ट्रेंड बता देती हूँ, मैं इसका एक्सप्लेनेशन करूंगी। अब मेरे एक्सप्लेनेशन में से जब भी कोई क्वेश्चन रिपीट होगा तो हम इसे इस क्वेश्चन का रिपीटेशन कंसिडर आउट करेंगे। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया, लेकिन वैरायटी ऑफ क्वेश्चन मैं भी थ्योरी के साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि क्या क्या पूछे जा सकते हैं। तो जब भी वो क्वेश्चन आएगा उसको हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे, उसे हम क्या कंसिडर आउट करेंगे, उसे हम रिपीटेशन कंसिडर आउट करेंगे। और चार पांच सेशन लेने के बाद आपको पता लग जाएगा कि मैक्सिमम क्वेश्चन तो रिपीटेशन ही है, एज इट इज रिपीट नहीं होता, मेरे वैरायटीज में से रिपीट होगा, तो आपको लगेगा हाँ। और एक चीज और, शुरुआत के सेशन में, जैसे आज के सेशन में हो सकता है चार या पांच ही सॉल्व हो, बाद के जो सेशन होंगे ना फटाफट क्वेश्चन सॉल्व होंगे, क्यों? क्योंकि वो सारी वैरायटीज में निकल जाएगा, ठीक है। चलिए, लेकिन बहुत सारा थ्योरी हमारा इसमें कवर हो जाएगा, तो चलो नेक्स्ट। इसका एक्सप्लेनेशन तो मैं आपको बता चुकी, बट आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोई भी पूछा जा सकता है, म्यूचुअलिज्म उसने पूछा, हो सकता है प्रोटो कॉपरेशन पूछे, कॉमनसिलिज्म पूछे, आपको सारा पता होना चाहिए। तो म्यूचुअलिज्म में एक्सप्लेन कर चुकी, दोनों इंटरैक्टिंग पार्टनर्स को फायदा होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव इंटरैक्शन, इट इज द म्यूचुअलिज्म। एक चीज अब आप देख रहे हैं, सेकंड पॉइंट जो है प्रोटो कॉपरेशन, इसके अंदर भी पॉजिटिव पॉजिटिव इंटरैक्शन ही है, यानी दोनों ही इंटरैक्टिंग स्पीशीज को फायदा होता है। अब जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा कितने को इन दोनों के बीच में डिफरेंस पता है, म्यूचुअलिज्म और प्रोटो कॉपरेशन में किस किस को डिफरेंस पता है। अब मान लो क्वेश्चन आ गया, जो पहला क्वेश्चन था उसकी जगह क्वेश्चन आता है पॉजिटिव पॉजिटिव इंटरेक्शन को आप क्या कहोगे, और ऑप्शन देता है म्यूचुअलिज्म और प्रोटो कॉपरेशन, तो आप किसे टिक करते? ये तो दोनों ही पॉजिटिव पॉजिटिव इंटरेक्शन है, तो क्या करना है? सुनो, वो अधूरा क्वेश्चन होता है, मैं आपको दोनों में डिफरेंस जो है वो डिस्कस करती हूँ। म्यूचुअलिज्म की बात करें तो इसमें एक चीज है, ये एक ऑब्लिगेटरी, अपने नोट्स जो आप बनाते जा रहे हैं उसके अंदर लिख लेना, ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप है म्यूचुअलिज्म, ठीक है, ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप है। और प्रोटो कॉपरेशन, यही इसका मेन डिफरेंस है, इट इज द ऑप्शनल वन। क्या होता है इसका मतलब, आप सुनिए, म्यूचुअलिज्म जो है ये एक ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप है, यानी कि इसको जीवन जीने के लिए ये रिलेशनशिप जरूरी है, यानी कि इस रिलेशनशिप के बिना ये जो दोनों इंटरेक्टिंग पार्टनर्स जो है ना स्टूडेंट्स, ये अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। इनके एग्जाम्पल भी बेहद इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, अभी थोड़ी देर बाद ही मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो म्यूचुअलिज्म ये एक ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप है, प्रोटो कॉपरेशन ये भी दोनों इंटरैक्टिंग स्पीशीज को, हालांकि इसमें भी फायदा होता है, लेकिन डिफरेंस ये है कि म्यूचुअलिज्म एक ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप है, उसे अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए जरूरी है,
प्रोटो कॉपरेशन जो है बच्चों, ये एक ऑप्शनल रिलेशनशिप है। मतलब ऐसा नहीं है कि इस रिलेशनशिप के बिना काम नहीं चलेगा, वो अपनी लाइफ साइकिल इस रिलेशनशिप के बिना भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो अगर क्वेश्चन आता है पॉजिटिव पॉजिटिव इंटरेक्शन का, ऑप्शन में म्यूचुअलिज्म प्रोटो कॉपरेशन दोनों होता है, तो डिफरेंस कैसे करोगे? म्यूचुअलिज्म के साथ हमेशा एक वर्ड यूज आएगा, ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप, यानी कि स्ट्रिक्टली से फॉलो करना पड़ेगा, ये उसको जीवन जीने के लिए जरूरी है। प्रोटो कॉपरेशन जो है ये एक ऑप्शनल रिलेशनशिप है, हो तो भी चलेगा, नहीं हो तो भी चलेगा। क्लियर? तो दोनों में डिफरेंस क्लियर है? म्यूचुअलिज्म प्रोटो कॉपरेशन में क्वेश्चन आया तो मेरा तो कोई बच्चा अटकेगा नहीं इसमें। चलिए नेक्स्ट जो है, एज आई टोल्ड यू, कॉमनसिलिज्म, ये पॉजिटिव जीरो इंटरेक्शन है। पॉजिटिव जीरो यानी कि नाम से ही पता लग रहा है, पॉजिटिव यानी कि एक इंटरेक्टिंग स्पीशीज को फायदा होगा, जीरो यानी कि ये न्यूट्रल है, इसको ना फायदा हो रहा है ना नुकसान हो रहा है, इट इज द कॉमनसिलिज्म। कॉम्पिटिशन की बात करें बच्चों, कॉम्पिटिशन जो है एक नेगेटिव इंटरेक्शन है, इसमें दोनों ही इंटरेक्टिंग स्पीशीज को नुकसान होता है, किसी को फायदा नहीं हो रहा, दोनों ही इंटरेक्टिंग स्पीशीज को नुकसान, इट इज द कॉम्पिटिशन। ठीक है, फिर एक है पैरासिटिज्म और प्रिडेशन, ये दोनों में भी देखो एक को तो फायदा हो रहा है दूसरे को नुकसान हो रहा है, ऐसा ही हो रहा है। पैरासिटिज्म में भी पॉजिटिव नेगेटिव है, प्रिडेशन में भी पॉजिटिव नेगेटिव इंटरेक्शन ही है, यानी कि एक इंटरेक्टिंग स्पीशीज को तो फायदा होगा, दूसरी इंटरेक्टिंग स्पीशीज को इसमें से नुकसान होता है। लेकिन दोनों में एक डिफरेंस, अगेन एक डिफरेंस है, क्या बच्चों? प्रिडेशन में तो प्रिडेटर और प्रे रिलेशनशिप होता है, प्रिडेटर होता है और प्रे होता है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है ना, ये आप सुनिए। प्रिडेटर, शुद्ध हिंदी भाषा का प्रयोग करते हुए अगर मैं इसका मतलब समझाऊं, प्रिडेटर यानी कि जो खाने वाला है, प्रे यानी कि जो खाने में आएगा, जैसे कि शेर जो है वो हिरण को खाता है, तो शेर हो गया प्रिडेटर जो मार के खाएगा, और हिरण जो मरेगा बेचारा इस पर्टिकुलर चीज के अंदर, जो खाने में आएगा, इट इज द प्रे। ठीक है, ऐसी एक एनसीईआरटी के अंदर एक एग्जांपल है बच्चों, ये प्रिडेटर प्रे रिलेशनशिप का ही। चिड़िया जो है ये अनाज का दाना खाती है, सेम ये भी प्रिडेटर प्रे रिलेशनशिप में ही कंसिडर आउट होता है, तो चिड़िया तो हो गई प्रिडेटर और वो अनाज का दाना हो गया प्रे। ठीक है, यानी कि ये इसमें अब डिफरेंस क्या है? प्रिडेटर प्रे मतलब क्लियर है सभी को? हाँ, मैंने बताया शेर प्रिडेटर हो गया, हिरण जो खाने में आ रहा है प्रे हो गया। स्पैरो वाला एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दे रखा है, इंपॉर्टेंट है, शुड बी ऑन योर टिप्स, कि ये भी प्रिडेटर प्रे रिलेशनशिप ही है। ठीक है, तो प्रिडेटर का मतलब क्लियर हो गया होगा और प्रे का मतलब क्लियर हो गया होगा। पैरासिटिज्म में एक तो होता है होस्ट, ठीक है, जैसे कि किसी किसी के जुएं भी पड़ जाती है ना, ठीक है, लाइसेंस वगैरह, ये सब तो होस्ट होता है, और एक होता है पैरासाइट। बच्चों जो पैरासाइट होता है ना, ये हमेशा स्मॉल बॉडी साइज ऑर्गेनिज्म को हम पैरासाइट कहते हैं, लार्ज बॉडी साइज ऑर्गेनिज्म को हम होस्ट कहते हैं, और इसमें हमेशा होस्ट को तो होता है नुकसान और पैरासाइट को होता है फायदा। दोनों में डिफरेंस क्या है? लेकिन ये जो पैरासाइट है ये इस होस्ट की कैपेसिटी को कम, उसे नुकसान जरूर पहुंचाता है लेकिन कभी भी मारता नहीं है पैरासिटिज्म के अंदर। ठीक है, पैरासाइट अपने होस्ट को नुकसान जरूर पहुंचाएगा लेकिन मारेगा नहीं, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है पैरासिटिज्म के अंदर। जबकि प्रेडेटर प्रे रिलेशनशिप जो है, ये प्रेडेटर जो है ये प्रे को हमेशा मार के ही खाता है, यानी कि प्रेडेटर प्रे रिलेशनशिप में तो प्रे मर जाएगा लेकिन पैरासिटिज्म में होस्ट को नुकसान जरूर पहुंचता है लेकिन उसकी डेथ नहीं होती है। ये दोनों के अंदर डिफरेंस है बच्चों। ठीक है, चलिए नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, इट इज अबाउट द एमेंसिलिज्म। कॉमेंसिलिज्म इज द पॉजिटिव जीरो इंटरेक्शन, एमेंसिलिज्म नेगेटिव जीरो इंटरेक्शन, यानी कि एक इंटरेक्टिंग पार्टनर को तो नुकसान होगा और जो दूसरा इंटरेक्टिंग पार्टनर है वो एकदम न्यूट्रल रहता है, ना उसे फायदा होता है ना नुकसान होता है, उसे हम कहते हैं एमेंसिलिज्म। इज इट क्लियर टू एवरीबडी? चलिए, तो ये तो सिंपल, इनमें से किसी से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि एक बार पॉजिटिव नेगेटिव पूछ लें तो पॉजिटिव 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 जीरो, नेगेटिव 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 जीरो, तो आपको क्लियर होना चाहिए कि म्यूचुअलिज्म पॉजिटिव पॉजिटिव है, प्रोटो कॉपरेशन पॉजिटिव पॉजिटिव है, डिफरेंस ये ऑब्लिगेटरी है, ये ऑप्शनल है। ठीक है, कॉमनसिलिज्म और एमेंसिलिज्म, कॉमनसिलिज्म इज पॉजिटिव जीरो, एमेंसिलिज्म इज नेगेटिव जीरो, फिर कॉम्पिटिशन इज नेगेटिव नेगेटिव इंटरेक्शन,
नेगेटिव जीरो इज द मेंसलिज्म हो गया। फिर पैरासिटिज्म और प्रेडेशन याद रखना दोनों पॉजिटिव नेगेटिव है, लेकिन पैरासिटिज्म में पैरासाइट होस्ट को कभी मारता नहीं है, जबकि प्रेडेशन में प्रेडेटर प्रे को मार देता है, ये इन दोनों में डिफरेंस है। इज इट क्लियर टू एवरीबडी? जल्दी जल्दी बताइए, चलिए मूव ऑन करते हैं। एक वैरायटी तो बच्चों ये बन सकता है, दूसरा वैरायटी कुछ पर्टिकुलर जो रिलेशनशिप है इनके एग्जांपल बेहद बेहद इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो सबसे पहले मैं म्यूचुअलिज्म का एग्जांपल जो है स्टार मार्क कर लो बच्चों, बेहद इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल्स इट ईच एंड एवरी एग्जाम्पल यहां पर अगर कुछ होगा ना। अच्छा एक चीज और बच्चों, इस पर्टिकुलर सेशन में मैंने वैसे ही बहुत ऐसी चीजें डाली कि हाँ आप आराम से कर सकते हो, बट फिर भी मान लो कोई एग्जाम्पल ऐसा आया जो मुझे लगता है कि हर स्टूडेंट के लिए, मतलब कुछ होता है ना कि कुछ स्टूडेंट की ग्रास्पिंग कैपेसिटी अच्छी होती है, इतना कुछ याद कर पाएंगे लास्ट 3 महीनों में, कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं दोनों के लिए यहां पर आपको डिक्टेट करूंगी, कोई एग्जाम्पल ऐसा है जो मैंने यहाँ पर दे रखा है और मुझे लगता है कि आप इतने याद नहीं कर पाओगे, तो वो स्टूडेंट जो पर्टिकुलर रैंक ओरिएंटेड नहीं है, जिसको सिर्फ मेडिकल कॉलेज के अंदर एक सीट चाहिए और कंडीशन ये कि वो इतना सब याद नहीं कर पा रहा है, तो पूरा छोड़ के जा रहा है, तो इससे अच्छा मैं बता दूंगी कि ये पॉइंट छोड़ दो, लेकिन एटलीस्ट इतना कर लेना। ठीक है, अभी तक मैंने ऐसा कुछ नहीं बताया, अभी तक ईच एंड एवरी एग्जाम्पल, ईच एंड एवरी पॉइंट इज इंपॉर्टेंट, जहां पर भी आएगा आने वाली क्लासेस में मैं आपको डिक्टेट कर दूंगी। ठीक है, तो म्यूचुअलिज्म के एग्जाम्पल बेहद इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल टर्माइट एंड फ्लैजिलेट्स, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ म्यूचुअलिज्म, एग्जाम्पल रटने ही पड़ेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल यका प्लांट फ्लावर एंड प्रोनुबा मॉथ इंसेक्ट, इट इज अगेन द एग्जाम्पल ऑफ म्यूचुअलिज्म। तो ये तो पॉइंट क्लियर हो गया, म्यूचुअलिज्म यानी कि दोनों को ही फायदा हो रहा है। मैंने आपको बताया था ना कि जीवन जीने के लिए जरूरी है। एक्चुअली बच्चों थोड़ा सा डिटेल में जैसे सेकेंड एग्जाम्पल का बताती हूँ, ये जो पर्टिकुलर फ्लावर है ना, ये इंसेक्ट के थ्रू ही इसका पॉलिनेशन होगा, इसके अलावा इसका पॉलिनेशन कोई दूसरा इंसेक्ट नहीं कर सकता है, तो इसकी लाइफ साइकिल के लिए इसलिए ये रिलेशनशिप जरूरी है। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, अनादर एग्जाम्पल ऑफ म्यूचुअलिज्म, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, इट इज द लाइकन्स, इट इज नॉट हाइकन्स, इट इज लाइकन्स। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल फिग ट्री एंड वास्प स्पीशीज, नेक्स्ट एग्जाम्पल बीज एंड ऑर्किड फ्लावर, बी एंड बम्बल बी, आपने नाम सुना होगा, सूडो कॉपुलेशन एक टर्म, मैं आपको थोड़ा सा ये वाला एग्जाम्पल भी डिटेल में जाऊंगी। ठीक है, आपको शायद याद हो सेक्सुअल डेफिसिट, आपको थोड़ा बहुत ध्यान होगा शायद, ये पढ़े होंगे, ये टर्म सुने सुने लग रहे होंगे आपके। ठीक है, शॉर्ट में मैं फटाफट बताती हूँ, एग्जाम्पल सारे आपको याद रखने जरूरी हैं, टर्माइट्स एंड फ्लैजिलेट्स है, यका फ्लावर एंड प्रोनुबा मॉथ इंसेक्ट है, लाइकन्स है, फिग ट्री एंड वास स्पीशीज है, बी एंड ऑर्किड फ्लावर है। बीज एंड ऑर्किड फ्लावर में क्या होता है ना बच्चों, ये जो पर्टिकुलर फ्लावर है ना, इसका जो पेटल होता है कैसे होता है इसके अंदर मैं आपको बता रही हूँ, वो बिल्कुल कलर वाइज साइज वाइज मेल बी की तरह दिखता है। ठीक है, तो दूर से जब बी से देखती है तो वो उसे फीमेल बी का रिजेम्बलेंस, सॉरी फीमेल बी का रिजेम्बलेंस देता है, तो वो आता है, सूडो कॉपुलेशन वहां पर होता है, क्योंकि एग्जैक्टली कॉपुलेशन नहीं हो रहा है, वो बी नहीं है, वो फ्लावर है, फ्लावर का एक पेटल है, लेकिन उसका रिजेम्बलेंस बिल्कुल बी की तरह है, फीमेल बी की तरह वो दिखता है साइज वाइज मार्किंग वाइज कलर वाइज। तो बी आती है सूडो कॉपुलेट करती है, तो इसके जो पॉलिनेशन भी करवा देता है, इस तरीके से बीज एंड ऑर्किड फ्लावर के अंदर सूडो कॉपुलेशन जो है, ये वर्ड याद रख लेना, सूडो कॉपुलेशन का तरीका यहाँ पर होता है पॉलिनेशन के अंदर। ठीक है, अगेन इट इज द एग्जांपल ऑफ म्यूचुअलिज्म, क्योंकि इसके अलावा इसका पॉलिनेशन कोई और नहीं करता है। ठीक है, इज इट क्लियर? ईच एंड एवरी एग्जांपल इज इंपॉर्टेंट, टर्माइट्स एंड फ्लैजिलेट्स, यका प्लांट फ्लावर एंड प्रोनुबा मॉथ इंसेक्ट, फिग ट्री एंड वास स्पीशीज, बीज एंड ऑर्किड फ्लावर एंड द लाइकन्स। क्लियर? चलिए दूसरा, ये तो पॉजिटिव पॉजिटिव इंटरेक्शन, म्यूचुअलिज्म के एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, अगेन द पॉजिटिव पॉजिटिव इंटरेक्शन, प्रोटो कॉपरेशन, स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पे, सी ओ ओ पी, ये ई इधर आएगा, ये आर इधर आएगा। ठीक है, प्रोटो कॉपरेशन, अगेन इसके एग्जांपल्स बेहद इंपॉर्टेंट है फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, 3 ही एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर बताए, ज्यादा बताए नहीं, आप आराम से याद रख सकते हो,
सी एनिमोन एंड हर्मिट क्रैब, टिक बर्ड्स एंड राइनोसेरोस, क्रोकोडाइल एंड बर्ड. आपने देखा होगा ना कभी मगरमच्छ, ये तो आपने मेरे हिसाब से देखा ही होगा, मगरमच्छ उसके ऊपर पक्षी बैठे रहते हैं. ठीक है, प्रोटोकॉपरेशन है, दोनों को फायदा होता है लेकिन नुकसान किसी को नहीं होता. ये प्रोटोकॉपरेशन की एग्जाम्पल है, केवल तीन एग्जाम्पल. इससे ज्यादा कहीं पढ़े भी हों तो मैं बोल रही हूँ आपको मत याद करो, ये तीन मोर देन सफिशियंट, इसके बाहर क्वेश्चन नहीं जाने वाला है. ठीक है, तो तीन एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे प्रोटोकॉपरेशन के, सी एनिमोन एंड हर्मिट क्रैप, टिक बर्ड्स एंड राइनोसेरोस, अगेन स्पेलिंग मिस्टेक है यहां पर, क्रोकोडाइल एंड बर्ड. क्लियर? ठीक है, अभी चलो तो प्रोटोकॉपरेशन के तीनों एग्जाम्पल शुड बी ऑन योर पॉइंट. नेक्स्ट कमेंसलिज्म. कमेंसलिज्म क्या था आपका? एमेंसलिज्म इज द नेगेटिव जीरो इंटरेक्शन, पॉजिटिव जीरो इंटरेक्शन इज द कमेंसलिज्म. ठीक है, इसमें लाइनाज, एपिफाइट्स, एपिजोन्स, इनके बारे में दे रखा है, लेकिन ये पर्टिकुलर चलो आ गया है तो मैं बता देती हूँ, अदरवाइज इसको मैं अभी स्किप इसलिए कर रही हूँ. कमेंसलिज्म मैंने क्वेश्चन डाला हुआ है आगे वाली स्लाइड्स के अंदर, शायद इस सेशन में ना हो, नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट होगा. इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए इतना तक काफी है क्योंकि आप बोर हो जाओगे एक साथ थ्योरी देखते देखते, तो आगे का जो एक्सप्लेनेशन है मैं किसी दूसरे क्वेश्चन के थ्रू आपको डिलीवर कर दूंगी. इज इट क्लियर टू एवरीबडी? तो अभी जो पर्टिकुलर नंबर वन वाला हमारा जो क्वेश्चन था, इसका आंसर तो हमने देखा ही, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव के अलावा, पॉजिटिव ये सारे इंटरेक्शन, पॉजिटिव नेगेटिव आ जाए, चाहे पॉजिटिव जीरो आ जाए, चाहे नेगेटिव नेगेटिव आ जाए, हम किसी भी तरीके का एक वैरायटी ऑफ क्वेश्चन ये बनता है, दूसरा वैरायटी ऑफ क्वेश्चन के एग्जांपल से बनता है. और भी क्वेश्चन है, मैंने कुछ थ्योरी उनके थ्रू डिलीवर कर रखी है. वैरायटी ऑफ क्वेश्चन कम फ्रॉम दैट पर्टिकुलर कैटेगरी, जैसे कि गॉस प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन वगैरह, बहुत सारी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं. बट यू डोंट वरी अबाउट दैट सेक्शन, ज्यादा थ्योरी एक साथ ना डिलीवर हो, इसलिए मैंने उन क्वेश्चंस में वो थ्योरी आपकी जो है वो डाल रखी है. ठीक है, तो थ्योरी आपको मिल जाएगी. दूसरा वैरायटी ऑफ क्वेश्चन एग्जांपल से बनता है. अभी फिलहाल के लिए हम लोग म्यूचुअलिज्म का एग्जांपल और आपके प्रोटोकॉपरेशन के एग्जांपल पढ़ चुके हैं, ये मैं किसी दूसरे क्वेश्चन के थ्रू आपके साथ डील करूंगी. ठीक है, चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिपीटेशन ऑफ द सेम वन. पहला क्वेश्चन नीट 2016 के अंदर पूछा गया था, 2016 के टाइम पीएमटी चलता था, ऑल इंडिया पीएमटी और स्टेट पीएमटी, और ये 2015 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया, रिपीटेशन ऑफ द सेम वन. इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरेक्शन बोथ पार्टनर्स आर एडवर्सली इफेक्टेड. अभी ये वैरायटी जस्ट हमने डिस्कस किया है. म्यूचुअलिज्म क्या होता है? पॉजिटिव पॉजिटिव इंटरेक्शन. पैरासिटिज्म क्या है? पॉजिटिव नेगेटिव इंटरेक्शन. प्रेडेशन क्या है? इट इज अगेन पॉजिटिव नेगेटिव इंटरेक्शन. और कॉम्पिटिशन में क्या होता है? दोनों पार्टनर ही एडवर्सली इफेक्ट होते हैं, दोनों ही इंटरेक्टिंग स्पीशीज को नुकसान होता है, नेगेटिव नेगेटिव इंटरेक्शन, इट इज द कॉम्पिटिशन. और क्वेश्चन में यही पूछा गया है किसमें बोथ पार्टनर्स, दोनों ही पार्टनर्स जो हैं ये एडवर्सली इफेक्टेड होते हैं, तो इट इज इन द कॉम्पिटिशन. रिपीटेशन ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन, नीट 2016 में पहला पूछा गया, 2015 में वो क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हुआ. ठीक है, तो फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, रिपीटेशन क्यों बोल रही हूँ, मेरे एक्सप्लेनेशन के अंदर है ना, आप देखना बच्चों. अभी तो मैं फिर भी, अब जैसे कंपटीशन, थोड़ा कंपटीशन से भी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं, आपको आगे वाली स्लाइड्स में वो क्वेश्चन दिख जाएंगे और अभी मैं इसका एक्सप्लेन करूंगी और इससे क्या वैरायटी मिलता है. तो आप तीन चार सेशन के बाद तो ना मैं थोड़ी सी स्लाइड्स कम कर दूं चाहे, बट आप लास्ट, मैं क्वेश्चन पेपर भी लास्ट में दे दूंगी 12 साल का, और आप बोलोगे तो नहीं भी करूंगी मैं, आप देखना कि 70% क्वेश्चन आपको रिपीटेशन ही नजर आएंगे. एग्जैक्ट रिपीटेशन नहीं होता है ये, प्रैक्टिस के बाद 8वें सेशन जब आप लोगे ना, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में तब बताना. 8 सेशन के बाद तो आप खुद बोलोगे कि मैम मैंने जब घर पे प्रैक्टिस की, क्योंकि 6-7 सेशन के बाद आपको मेरे तरीके की डिलीवरी की आदत हो जाएगी. और जब मैं प्रेडिक्ट कर रहा था तो मैंने देखा वास्तव में जबरदस्त रिपीटेशन है. रिपीटेशन डजंट मीन कि एग्जैक्ट क्वेश्चन उठ के आ गया. हम जिस तरीके की तरीके से यहाँ पर डील कर रहे हैं ना, उससे आप देखोगे कि 70% चीजें तो सिर्फ और सिर्फ रिपीटेशन से ही पूछी गई हैं. क्लियर? आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़िया बिल्डअप हो जाएगा एग्जाम तक, ये मेरी गारंटी है आप लोगों के साथ. चलिए, तो ये क्वेश्चन तो आपने आसानी से सॉल्व कर लिया होगा. म्यूचुअलिज्म के बारे में मैं डिटेल में आपको अभी डिस्कस कर चुकी हूँ, म्यूचुअलिज्म में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैं डील कर चुकी हूँ. पैरासिटिज्म, प्रिडेशन, कुछ और पॉइंट्स भी मैं आपको आने वाली स्लाइड्स में बताऊंगी, बट फिर भी इनके बारे में थोड़ा बहुत मैं आपको बता चुकी हूँ. कंपटीशन के बारे में मैंने सिर्फ अभी नेगेटिव नेगेटिव इंटरेक्शन ही बताया था, इसके अलावा कुछ भी चीज़ डिस्कस नहीं की है.
एंड अगेन कॉम्पिटिशन इट इज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ये आता है. तो कॉम्पिटिशन क्या है इसको हम थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पर डिस्कस करेंगे. ठीक है बच्चों, एक चीज तो ये कॉम्पिटिशन की ना अलग अलग डेफिनेशन है. एक डेफिनेशन जो मेरे यहाँ पर आपको डिस्प्ले हो रही है कि इट इज अ प्रोसेस इन विच फिटनेस ऑफ वन स्पीशीज, इट इज सिग्निफिकेंटली लोअर इन द प्रेजेंस ऑफ अनादर स्पीशीज, उसको हम कहते हैं कॉम्पिटिशन. यानी कि ये कैसा प्रोसेस बोल रहा है, जब एक स्पीशीज का जो फिटनेस यानी कि उसकी सर्वाइवल रेट जो है वो दूसरी स्पीशीज की प्रेजेंस में कंपैरेटिवली कम हो जाए, उस प्रोसेस को हम कहते हैं कॉम्पिटिशन. ठीक है, यानी कि एक स्पीशीज का जो सर्वाइवल रेट है, जो फिटनेस है, वो दूसरी इंटरैक्टिंग स्पीशीज के प्रेजेंस होने की वजह से सिग्निफिकेंटली कम हो जाए, उसे हम कहते हैं कॉम्पिटिशन. ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट बहुत ध्यान से सुनना बच्चों. जनरली ये माना जाता था कि इट इज जनरली बिलीव दैट कि कॉम्पिटिशन जो होगा ना ये हमेशा क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज के लिए में होता है और सेम रिसोर्सेस के लिए होता है. क्या बोला, इट इज जनरली बिलीव दैट, यानी कि जनरली ये मान्यता थी कि कंपटीशन कब होगा, तो ये हमेशा व्हेन क्लोजली रिलेटेड, रिलेटेड ही लिखा है बट इट इज द क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज कंपीट फॉर द सेम रिसोर्सेज. यानी कि सपोज करो कि मैं आपको अपना आपका टाइप का एक एग्जांपल देती हूँ. स्टूडेंट लाइफ में अगर आप घर पे रह रहे हो तो ठीक है, हॉस्टल में रह रहे हो या फिर कहीं पर भी आप रह रहे हो, मान लो अब जैसे मैं राजस्थान की हूँ, ठीक है कोटा से मैं बिलोंग करती हूँ, तो मैं राजस्थानी फूड की बात करती हूँ. आप जिस भी स्टेट से हो वो बात करना, आप समझना आपको चीज़ें आसानी से क्लियर होंगी. जैसे दाल बाटी हमारे राजस्थान में बहुत फेमस है, तो सपोज करो कि एक बच्चे की डाइट है 6 बाटी 3 बाटी वो खा लेता है आराम से, ठीक है, और मेरे पास 3 स्टूडेंट्स हैं लेकिन बाटियां सिर्फ 6 हैं या 7 हैं, तो इट इज द कॉम्पिटिशन. दो क्लोजली रिलेटेड, वैसे तो हम तो सेम स्पीशीज के मेंबर होमो सैपियंस हो गए, दो सेम स्पीशीज के मेंबर या क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज के मेंबर में भी हो सकता है, लिमिटेड सेम रिसोर्सेज. दाल बाटी वो जो खाना है वो सेम रिसोर्सेज है जो कि लिमिटिंग है. अगर वो लिमिटिंग नहीं होता, मान लो 3 बच्चे होते लेकिन 6 बाटियां नहीं, जितनी आपको खानी उतनी अवेलेबल होती, तो देयर इज नो कॉम्पिटिशन. लेकिन 6 बाटी है तो आप क्या करोगे, आप अपनी स्पीड बढ़ाओगे खाने की, यार मैं थोड़ा जल्दी जल्दी खा लूं, ऐसा ना हो मुझे कम मिले और ये खत्म हो जाए, क्योंकि अमाउंट जो है खाने का वो लिमिटेड है. तो कॉम्पिटिशन के बारे में भी यही कहा गया कि कॉम्पिटिशन जो है ये दो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज के मेंबर्स के बीच में होगा जो कि सेम रिसोर्सेस के लिए कंपीट कर रहे हैं, और ऐसे रिसोर्स के लिए जो कि लिमिटिंग है, यानी कि अबंडेंट नहीं है, बहुत ज्यादा नहीं है, लिमिटेड है वो. लेकिन ये जो डेफिनेशन थी बच्चों कंपटीशन की, ये पूर्णतया, इसे मैं गलत तो नहीं कह सकती लेकिन ये पूरी तरह से सही भी नहीं है. ये डेफिनेशन इट इज नॉट एंटायरली ट्रू. क्यों ऐसा बोला, उसका रीजन सुनो. क्योंकि एक कारण तो ये इसको कंप्लीटली सही नहीं बताने का, पहली लाइन क्या थी, दो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज कंपीट करेंगी, तो पहला करेक्शन तो यही हो गया कि टोटली अनरिलेटेड स्पीशीज भी सेम रिसोर्सेस के लिए कंपीट कर सकती हैं. सॉरी फॉर दिस थिंग बच्चों, नेक्स्ट क्लास से आपको ये मिस्टेक्स नहीं देखने को मिलेंगी. टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पर, स्पेलिंग के अंदर रिसोर्सेज की स्पेलिंग गलत है. इट इज नॉट कंपाइल, इट इज द कंपीट, दे कंपीट फॉर द सेम रिसोर्सेज. ठीक है, तो पहला करेक्शन क्या हुआ, क्यों ये सही नहीं, क्योंकि उसने क्या बोला कि दो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज सेम रिसोर्सेज के लिए कंपीट कर रही है जो कि लिमिटिंग है. तो पहला करेक्शन क्यों उसको पूर्णतया सही नहीं बोला, क्योंकि पहला करेक्शन तो ये कि दो टोटली अनरिलेटेड स्पीशीज भी सेम रिसोर्सेस के लिए कंपीट कर सकती हैं. कैसे, तो इसका एग्जांपल सुनो. साउथ अमेरिकन लेक्स के अंदर एक तो है विजिटिंग फ्लैमिंजोस और वहां की रेजिडेंट फिशेस, ये दोनों अनरिलेटेड स्पीशीज हैं, लेकिन ये जो दोनों अनरिलेटेड स्पीशीज है वो सेम रिसोर्स, दैट इज द जू प्लैंकटोन जो प्रेजेंट है लेक में, फाइटोप्लैंकटोन्स को जू प्लैंकटोन्स खाते हैं, पता है ना आपको. तो ये दोनों टोटली अनरिलेटेड स्पीशीज हैं, विजिटिंग फ्लैमिंजोस एंड रेजिडेंट फिशेस, ये दो टोटली अनरिलेटेड स्पीशीज में कंपटीशन हुआ सेम रिसोर्स के लिए, विच इज द जू प्लैंकटोन इन द लेक. तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि क्यों एंटायरली सही नहीं, क्योंकि टू
अनरिलेटेड स्पीशीज जो है, कंप्लीटली अनरिलेटेड स्पीशीज, दे ऑल्सो कम्पीट फॉर द सेम रिसोर्सेज विच इज लिमिटिंग. अनरिलेटेड स्पीशीज में भी कंपटीशन हो सकता है, एक कारण तो ये. दूसरा उसने मिस्टेक ये बताई, उसने बोला ना कि दो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज के बीच में कंपटीशन हो रहा है सेम रिसोर्सेज के लिए जो कि लिमिटिंग है. तो अगर आपके रिसोर्सेज लिमिटेड ना भी हो तो भी आपका कंपटीशन हो सकता है. देखिए, सेकेंडली जो रिसोर्सेज हैं दे नीड नॉट टू बी लिमिटिंग फॉर द कंपटीशन टू अकर. अगर आपके रिसोर्सेज अनलिमिटेड भी हैं तो भी कंपटीशन हो जाता है. इसीलिए उस डेफिनेशन को कंप्लीटली करेक्ट नहीं कहा गया. इज इट क्लियर टू एवरीबडी? क्या अब सुनो, मैं जस्ट फटाफट से रिवाइज कर रही हूं. अभी मैंने जो बोला कि प्रोसेस कंपटीशन, पहले बोला एक डेफिनेशन आई कि इट इज अ प्रोसेस इन विच फिटनेस ऑफ वन स्पीशीज इट इज सिग्निफिकेंटली लोअर इन द प्रेजेंस ऑफ अनदर स्पीशीज. अब जनरली ये बिलीव किया जाता था कि कंपटीशन हमेशा क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज के मेंबर्स के बीच में सेम रिसोर्सेज के लिए होगा जो कि लिमिटिंग होगा. लेकिन ये जो डेफिनेशन थी कि इट इज जनरली बिलीव दैट कॉम्पिटिशन इट अकर बिटवीन टू क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज फॉर द सेम रिसोर्सेज दैट आर लिमिटिंग, ये इट इज नॉट एंटायरली ट्रू. ये पूर्णतया ये डेफिनेशन करेक्ट नहीं है. क्यों नहीं है? पहली मिस्टेक कि क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज ये कह रहा है दो टोटली अनरिलेटेड स्पीशीज के मेंबर्स में भी कॉम्पिटिशन हो सकता है. पहला करेक्शन यहाँ, जैसे कि एग्जाम्पल विजिटिंग फ्लैमिंजोज एंड रेजिडेंट फिशेज वाला, जू प्लैंकटन इन द लेक सेम रिसोर्स कॉमन रिसोर्सेज के लिए, लेकिन दो टोटली अनरिलेटेड स्पीशीज साउथ अमेरिकन लेक में पाई जाती थी विजिटिंग फ्लैमिंजोज और वहां की रेजिडेंट फिश, इनके बीच में कॉम्पिटिशन हुआ. तो पहला स्टेटमेंट, तो पहली खामी ये निकली. दूसरी खामी क्या, हमने इसमें कहा था कि जो कंपटीशन हो रहा है ये उस चीज के लिए हो रहा है, उस रिसोर्स के लिए हो रहा है जो कि लिमिटेड है, अनलिमिटेड रिसोर्सेज के लिए नहीं होता. तो दूसरी खामी यही है कि रिसोर्स का लिमिटेड होना भी जरूरी नहीं है, रिसोर्सेज अनलिमिटेड हो तो भी कंपटीशन हो सकता है. इज इट क्लियर? चलो एक बच्चों इंटरफेरेंस कॉम्पिटिशन या इनडायरेक्ट कॉम्पिटिशन के बारे में और सुन लो. इंटरफेरेंस कॉम्पिटिशन कहो चाहे इनडायरेक्ट कॉम्पिटिशन कहो, सेम बात है. इसके अंदर क्या होता है, जो फीडिंग एफिशिएंसी होती है एक की, वो दूसरे की प्रेजेंस में कम हो जाती है. इट इज नॉट फैसिंग, इट इज एफिशिएंसी. ठीक है, इनडायरेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, फीडिंग एफिशिएंसी ऑफ वन स्पीशीज इट माइट बी रिड्यूस्ड ड्यू टू द इंटरफेयरिंग और द इनहिबिटरी प्रेजेंस ऑफ अदर स्पीशीज इवन इज रिसोर्सेज इज अबंडेंट. यहां पर रिसोर्सेज लिमिटेड नहीं है, ठीक है, अबंडेंट रिसोर्सेज हैं. लेकिन इस दौरान क्या हुआ, जो फीडिंग एफिशिएंसी यानी कि जो खाने की जो एफिशिएंसी है, जो जानवर्स जो कैटल्स हैं उनकी जो फीडिंग एफिशिएंसी है वो दूसरे की प्रेजेंस में, दूसरी स्पीशीज की प्रेजेंस, दूसरे की पार्टनर की प्रेजेंस में क्या हो रहा है, वो कम हो गई है कंपैरेटिवली, जबकि रिसोर्सेज आपके लिमिटेड नहीं है, इट इज अबंडेंट. तो इट इज द, ये होता है आपके इनडायरेक्ट कॉम्पिटिशन के अंदर. इनडायरेक्ट कॉम्पिटिशन कहिए चाहे इंटरफेयरिंग कॉम्पिटिशन कहिए, इंपॉर्टेंट की पॉइंट क्वेश्चन बन सकता है. रिसोर्सेज आपके अबंडेंट है तो भी कॉम्पिटिशन हो रहा है, तो ये किसमें होता है, ये होता है इनडायरेक्ट कॉम्पिटिशन या इंटरफेरेंस कॉम्पिटिशन में. क्या होता है इंपॉर्टेंट की पॉइंट इन इंटरफेरेंस कॉम्पिटिशन और इन इनडायरेक्ट कॉम्पिटिशन, फीडिंग एफिशियंसी ऑफ वन स्पीशीज इट मे बी रिड्यूस ड्यू टू द इनहिबिटरी प्रेजेंस ऑफ अनदर स्पीशीज इवन इफ रिसोर्सेज इज अबंडेंट. बहुत रिसोर्सेज हैं तो भी एक स्पीशीज की जो फीडिंग एफिशिएंसी है वो दूसरे की प्रेजेंस में यहां क्या हो गई है, कम हो गई है. ठीक है, क्लियर? तो इसीलिए अब जो डेफिनेशन थी कंपटीशन की वो तो हो गई गलत, कि इट इज जनरली बिलीव दैट कंपटीशन अकर बिटवीन टू क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज फॉर द लिमिटेड रिसोर्सेज, तो ये तो हो गया गलत कंपटीशन की. इसलिए कंपटीशन को सबसे बढ़िया डेफिनेशन, कंपटीशन के लिए सबसे बढ़िया डेफिनेशन, कंप्लीशन नहीं, इट इज कंपटीशन व्हिच इज बेस्ट डिफाइंड एज इट इज द प्रोसेस इन व्हिच फिटनेस ऑफ वन स्पीशीज इज सिग्निफिकेंटली लोअर इन द प्रेजेंस ऑफ अनदर स्पीशीज. एक स्पीशीज का सर्वाइवल रेट बोल दो, ठीक है, वो दूसरे के प्रेजेंस में थोड़ी सी कम हो गई है.
एक स्पीशीज का फिटनेस यानी कि उसकी कैपेबिलिटी दूसरे की प्रेजेंस में कम हो जाए, इसी को हम कहते हैं कॉम्पिटिशन. इट्स अ बेस्ट डेफिनेशन टू डिफाइन कॉम्पिटिशन. इज इट क्लियर? इट इज बेस्ट डिफाइंड एज द प्रोसेस इन विच फिटनेस ऑफ वन स्पीशीज इज सिग्निफिकेंटली लोअर इन द प्रेजेंस ऑफ अनदर स्पीशीज. इज इट क्लियर टू एवरीबडी? चलिए सॉरी. या नेक्स्ट चीज बच्चों, गॉस प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन. यहां से बहुत क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है? क्या है इसको डिटेल में इसलिए हम डिस्कस करेंगे. जो दूसरा वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है कॉम्पिटिशन से, वो कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन से बनता है. इसमें जो मैंने आपको बोला गॉस प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन, साइंटिस्ट के नाम जहां जहां पर भी, किसी भी इकोलॉजिस्ट का नाम या फिर नाम जहां जहां पर भी आएंगे ना बच्चों, मैं बताऊंगी जरूर, लेकिन मैं बता दूंगी किसे याद रखना जरूरी है किसे याद रखना जरूरी नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिकली हर किसी बच्चे के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो सारे नाम याद रख सके. तो यहाँ पर मैं आपको बोल रही हूँ, इन्होंने जो ये दिया, गॉस सर ने दिया था ये प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन क्या है, उन्होंने क्या बताया, इसमें इनका नाम इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है. ऐसे ही याद रखना आप तो गॉस प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन क्या है, ये आगे मैं बताऊंगी. इनमें इनका नाम इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट कर लेना बाद में. तो कॉम्पिटिशन की बात करें हम, तो कह रहा है कॉम्पिटिशन दो फॉर्म में होते हैं. एक तो होता है कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन और एक है कॉम्पिटिटिव को एग्जिस्टेंस. अब ये क्या है, व्हाट इज कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन, व्हाट इज कॉम्पिटिटिव को एग्जिस्टेंस, तो बहुत ध्यान से सुनना. वैसे मैं इसको डिस्कस करूं उसके पहले की जो चीज आपको ना नाम से ही एक चीज क्लियर हो रही होगी, इंग्लिश सिंपल इंग्लिश का हिंदी मतलब एक्सक्लूजन यानी कि एक्सक्लूड कर दो, निकल जाएगा. यानी कि जो दो इंटरैक्टिंग स्पीशीज हैं, हमें पता है कंपटीशन की बात चल रही है, कंपटीशन की बात चल रही है, तो ये तो आप सभी को क्लियर होगा कि दोनों इंटरैक्टिंग स्पीशीज में नेगेटिव नेगेटिव रिलेशनशिप है, यानी कि दोनों को ही नुकसान होता है. लेकिन एक्सक्लूजन यानी कि एक निकल जाएगा, तो यानी कि सिर्फ एक रह जाएगा, एक ही सर्वाइव करेगा, दूसरा जो है वो एलिमिनेट हो जाता है, एक्सक्लूड हो जाता है या रिमूव हो जाता है. ये है कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन. डिटेल में जाऊंगी लेकिन आप यही वर्ड से ही क्लिक कर जाओगे. एक है कॉम्पिटिटिव को एग्जिस्टेंस, नाम से ही क्लियर हो रहा है को एग्जिस्टेंस, यानी कि कॉम्पिटिशन होते हुए भी हम सर्वाइव दोनों करेंगे, दोनों साथ साथ रह जाएंगे. तो कुछ ऐसा उन्होंने कुछ निकाला होगा कि भाई दोनों ही को एग्जिस्ट कर जाएं, दिस इज द कॉम्पिटिटिव को एग्जिस्टेंस. तो दो फॉर्म में है कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन एंड कॉम्पिटिटिव को एग्जिस्टेंस. क्या है इन दोनों को डिटेल में हम देते हैं. तो सबसे पहले हम बात करेंगे कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन की, ठीक है? इंपॉर्टेंट, एज आई टोल्ड यू, गॉस प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन जब आएगा मैं बताऊंगी, आगे की स्लाइड्स में आपको ये क्वेश्चन भी मिलेगा, नाम यहाँ पर इंपॉर्टेंट है. तो क्या कहता है ये, मैं लैंग्वेज पढ़ देती हूँ, मैंने आपको बता दिया वैसे. इट स्टेट दैट, ये कहता है कि दो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज जो कि आपके सेम रिसोर्सेज के लिए कम्पीट कर रही हो वो साथ में नहीं रह सकती. क्या होगा, जो सुपीरियर वन होगी वो तो सर्वाइव कर जाएगी और जो इन्फीरियर वन होगी वो एलिमिनेट हो जाएगी. ये कहता है कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन का प्रिंसिपल. क्या कहता है कि जो दो कॉम्पिटिटिंग स्पीशीज हैं, अगर दो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज सेम रिसोर्सेस के लिए कंपीट कर रही हैं तो ये कभी भी साथ में एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकती. इनमें से एक कोई रहेगा और दूसरा जो है वो एक्सक्लूड हो जाएगा, वो बाहर निकल जाएगा. ये कहता है कौन रहेगा और कौन निकलेगा, तो ऑब्वियस सी बात है जो सुपीरियर वन है वो एग्जिस्ट करेगा और जो इन्फीरियर वन है वो वहां से एक्सक्लूड हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा. ये कह रहा है, ठीक है? इसमें जैसे कि कुल मिला के एक मयान में दो तलवारें नहीं रह सकती, ऐसे ही गॉस प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन था कि दो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज जो कि सेम रिसोर्सेज के लिए कंपीट कर रही हैं, ये साथ में नहीं रह सकती हैं. इज इट क्लियर? समझ में आया? एक मयान में दो तलवारें नहीं रह सकती, दैट्स इट. इट इज द गॉस प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन. इसका एक एग्जाम्पल, पहला वाला एग्जाम्पल याद होता है तो बहुत अच्छी बात है, हम कोशिश करेंगे हमें याद हो. बाई चांस ना हो अगर आपको ये एग्जाम्पल याद, तो हम इसे थोड़ा सा जो है छोड़ सकते हैं, लेकिन बाकी के एग्जाम्पल तो भी हमें याद करने हैं. तो पहला इसका क्लासिक एग्जाम्पल जो दे रखा है, गॉस ने एक्सपेरिमेंट के दौरान बताया कि सीलिएट्स हैं, विच इज अ क्लास, जैसे कि पैरामीसियम कॉडेटम एंड पैरामीसियम ऑरेलिया, ठीक है?
ये दो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज, दोनों सीलेटे पैरामीसियम ही है, आप देख रहे हैं दो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज है, दे आर टू क्लोजली रिलेटेड, ये प्रोटोजोन्स के अंदर आते हैं। एनिमल किंगडम थोड़ा भूली बिसरे यादें होंगी तो याद आ रहा होगा, ठीक है। ये इन्हें जब सेपरेट कल्चर में एग्जिबिट करो तो वही सिग्मोइड एस शेप ग्रोथ कर्व इनका आता है, यानी कि दोनों बढ़िया तरीके से ग्रो करती हैं। लेकिन जब आप इसे सेम कल्चर में ग्रो कराएंगे तो जो ऑरेलिया जो है, पैरामीसियम ऑरेलिया, इट सर्वाइव आफ्टर 16 डेज बिकॉज ये तो सर्वाइव कर जाएगा, और ये जो दूसरा वन था, मतलब वो ये कह रहा है कि मैंने इसमें ये बोला ना, गॉस प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन क्या कहता है, दो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज पैरामीसियम कॉडेटम और पैरामीसियम ओरेलिया दोनों क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज हैं, अगर वो सेम रिसोर्सेज के लिए कम्पीट कर रही हैं तो ऐसा कभी नहीं होगा कि दोनों को एग्जिस्ट कर जाएं। वो ये कहता है कि एक तो रह जाएगा, एक एलिमिनेट हो जाएगा। तो इसमें ये बताया कि जब इनको डिफरेंट डिफरेंट कल्चर मीडियम में ग्रो कर रहे थे तो दोनों सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व शो कर रहे थे, लेकिन जब इसे सेम कल्चर मीडियम में ग्रो कराया गया तो क्या हुआ, पैरामीसियम ऑरेलिया तो ग्रो किया लेकिन कॉडेटम जो है वो लिमिटेड अमाउंट ऑफ फूड की वजह से वो वहां से एक्सक्लूड हो गया, बाहर निकल गया, यानी कि जो सुपीरियर स्पीशीज थी, सुपीरियर वन था, वो सर्वाइव कर गया, इंफीरियर वन इसके अंदर एलिमिनेट हो जाएगा। इज इट क्लियर? एक एग्जाम्पल ये है। दूसरा एग्जाम्पल दे रखा है कि भाई गैलापागोस आइलैंड के अंदर अबेंडन टॉर्टोइज वहां ऑलरेडी प्रेजेंट थे, ठीक है। जब इस गैलापागोस आइलैंड के अंदर हमने बकरियों को, गॉड्स को वहां पर इंट्रोड्यूस किया गया, तो कुछ समय बाद क्या हुआ, ये जो आपके अबेंडन टॉर्टोइज थे ये यहां से पूरी तरीके से एक्सक्लूड हो गए, सिर्फ गॉड्स वहां रही। गैलापागोस आइलैंड, ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, पहला एग्जाम्पल याद हो या ना हो, सेकंड एग्जाम्पल गॉस प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन का बेहद इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, शुड बी ऑन योर फिंगर टिप्स। गैलापागोस आइलैंड के अंदर अबेंडन टॉर्टोइज वहां पहले से मौजूद थे, जब बकरियों को वहां पर इंट्रोड्यूस किया गया तो बकरियों के इंट्रोडक्शन के बाद, आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ गॉड्स, एबिंडन टॉर्टोइज जो है ये कछुए वहां से एलिमिनेट हो गए। क्यों? क्योंकि जो गॉड्स हैं इनकी जो ब्राउजिंग कैपेसिटी है, यानी कि चरने की जो क्षमता है इनकी, ये एबिंडन टॉर्टोइज की तुलना में काफी ज्यादा अच्छी थी। तो सुपीरियर वन सर्वाइव करेगी, इन्फीरियर वन विल एलिमिनेट। इज इट क्लियर? दिस इज द अनदर एग्जाम्पल ऑफ गॉस प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन। एग्जाम्पल सारे याद रखने हैं, लेकिन पहला अगर याद नहीं होता तो हम फॉर ग्रांटेड ले सकते हैं, सेकंड एग्जाम्पल अफोर्डेबल नहीं है फॉर ग्रांटेड लेना। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट। ये इसमें भी यही है कि रॉकी सी कोस्ट जो था स्कॉटलैंड का, यहाँ पर जो सुपीरियर ब्रैनिकल बैलेनिस थे ये डोमिनेंट हुए, और जो छोटे वाले ब्रैनिकल बैलेनिस थे, स्मॉल ब्रैनिकल्स, ये उस जोन से एलिमिनेट हो गए। इज इट क्लियर? तो ये गॉस प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन का कुछ एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है इनके स्टेटमेंट का, कि भाई दो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज, सुपीरियर वन सर्वाइव करेगा, इन्फीरियर वन रह जाएगा। ब्रैनिकल बैलेनस, ये नाम याद रखेंगे, गॉज प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन में ब्रैनिकल बैलेनस वाला एक एग्जाम्पल पढ़ा था कि सुपीरियर वाले रह जाएंगे, इन्फीरियर वाले एलिमिनेट हो जाएंगे। एबिंगडन टॉर्टोइज वाला एग्जाम्पल गॉज प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन में याद रखेंगे कि एबिंगडन टॉर्टोइज तो सर्वाइव एलिमिनेट हो जाएंगे, गॉड्स रह जाएंगी क्योंकि इनकी ब्राउजिंग कैपेसिटी अच्छी है। पहला वाला एग्जाम्पल याद होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता तो हम फॉर ग्रांटेड थोड़ा सा ले सकते हैं। इज इट क्लियर टू एवरीबडी? चलिए आज की क्लास के लिए इतना काफ़ी है। आज हमने यहाँ तक डिस्कस कर लिया है आप लोगों के साथ गॉज प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन तक, कॉम्पिटिटिव कोएग्जिस्टेंस जो है, वैसे मैंने आगे का किया हुआ था बट हमारा सेशन थोड़ा सा छोटा है तो हम ये आगे की चीज़ जो है वो नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। क्वेश्चन की झलक देख लो आप लोग, जल्दी जल्दी मैं इसको स्पीडली आगे बढ़ाती जा रही हूँ, लेकिन ये नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग, नेक्स्ट सेशन जो कल प्रीमियर होगा उसके अंदर हम इसे ज़रूर डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब आज आप देखना, आज हमने जितनी चीज़ें देखी ना, आने वाले सेशंस में इनके रिपीटेशन ज़बरदस्त मिलेंगे। गॉज प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन भी यहाँ हो गया, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं जो हम अपने आने वाले सेशंस में, आप देखोगे कितना ज़बरदस्त हिट रेट है इसका, कितना ज़बरदस्त रिपीटेशन आपको आज की क्लास से ही मिल जाएगा। आज तो पहला ही सेशन था, आज की क्लास से ही 7-8 रिपीटेशन है, ये मैं आपको बता रही हूँ। आप चाहो तो, अगर इतना सब्र भी ना हो कि कुछ दिन वेट कर सकते हो,
तो 12-15 साल के क्वेश्चन पेपर वाली बुक हो अगर आपके पास तो आप उसमें देख लेना, आपको इसका फ्रीक्वेंसी पता लग जाएगा. इज इट क्लियर? चलिए तो बाकी सेशन अपन इसके आगे अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर कंटिन्यू करेंगे. तो हमारा जो लेट्स क्रैक नीट यूजी चैनल, इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को हिट करें जिससे कि आपको फर्दर नोटिफिकेशन आते रहेंगे. और सब्सक्राइब करते वक्त मेरा प्रोमो कोड है लाइव एस बी, लाइव एस बी के बीच में स्पेस नहीं है, लाइव एस बी का इस्तेमाल करें, इससे आपको 10% का डिस्काउंट जो है वो मिल जाएगा. ठीक, थैंक यू.